हेलो भाइयों, वेलकम टू एलसी सर्वाइव। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर लेना। इससे क्या होगा, जो भी कुछ न्यू लूट्स आएगा अब बस इंस्टेंट नोटिफिकेशन चला जाएगा। और हमारा मेन चैनल में जो लेटेस्ट वीडियो आया था उसको अगर आपने अभी भी चेकआउट नहीं किया, भाई क्या कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके जाकर, दो दिन पहले ही लूट आया था, जितना जल्दी हो सके जाकर चेकआउट कर लो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर। बाकी आज मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर पार्ट 4 आने वाला है, जो कि देखो मैंने थर्ड पार्ट में लेयर 0 स्टारकनेट का पूरा बता दिया था। इस जो फोर्थ पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्टिम जिम, और आपको मैं स्टार्डियम का बताने वाला हूँ। ओके, फोर्थ पार्ट में टोटल में क्लियर आउट करने की टोटल में कोशिश करूंगा। बाकी जो भी कुछ अपडेट होगा सारा कुछ हमारा सेकंड चैनल जो एलसी सॉफ्टवेयर चैनल है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाना। जो एड्रॉप वाला चैनल है ये हमारा सेकंड चैनल है, हमारा मेन चैनल आपको, मेन चैनल हमारी ये है लेजिट क्रिप्टो। ओके, इस चैनल में देखो प्रॉफिट के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद जाकर बस प्रूफ देखना कहां कहां से और कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, बाकी मैं ज्यादा कुछ बोल के खुद को और आप सबको भी शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा, बस आप जाकर खुद जाकर देख लेना। ओके, बाकी मैं बताता हूँ, चलो मैं मेन टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जिसको ज्वाइन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन से अगर ज्वाइन कर लेना। बाकी सेकंड टेलीग्राम चैनल में आपको पता है मैं जो भी न्यू ब्लॉकचेन का एयरड्रॉप लाता हूँ वो सारा कुछ मैं सेकंड टेलीग्राम चैनल में वीडियो डालता हूँ, और उसी के नीचे सारा का सारा लिंक्स भी डाल देता हूँ कि इसका भी वही तरह होगा। पार्ट 4 का सारा जो भी वीडियो का लिंक उसी के नीचे आपको दिख जाएगा सारा का सारा लिंक्स। ओके, जो भी रिक्वायरमेंट लिंक्स होगा। बाकी मैं चलता हूँ डायरेक्टली, फर्स्ट बताऊंगा मैं ऑप्टिमिज्म में, सेकंड स्टार्डियम का। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी मेननेट में आ चुका है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि देखो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो ऑप्टिमिज्म वाला देखे, और जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता वो देखा भाई स्टार्डियम वाला देखे। ओके, क्योंकि ऑप्टिमिज्म में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, स्टार्डियम वाले में बिना इन्वेस्टमेंट में आप देखो यहां पर अर्ली में उनके प्रोजेक्ट में रह सकते हो। जब भी उनका न्यू एड्रेस आएगा आपको सबसे पहले एड्रेस आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलो पहले इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्टिमिज्म वाला बताता हूं। देखो यहां पर, देखो ऑप्टिमिज्म का जो यहां पर उन्होंने खुद ने ही अनाउंसमेंट किया है ऑप्टिमिज्म गेटवे में, कि देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप इन सबसे एलिजिबल हो सकते हो। किससे, ना ऑप्टिमिज्म यूजर अगर हुए, नहीं तो अगर देखो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमिज्म यूज करोगे, नहीं तो कुछ वोटिंग वगैरह करोगे, नहीं तो मल्टी साइन करोगे, डोनेट करोगे गेट करने में, नहीं तो इथेरियम में कुछ स्वैप वगैरह करोगे या प्राइस करोगे, तो इसके वजह से आप देखो यहाँ पर उनके एयरड्रॉप में ऑप्टिमिज्म का जो अपकमिंग एयरड्रॉप आने वाले उसमें आप एलिजिबल कर हो सकते हो। ये सब आप अगर देखो अगर फॉलो करोगे तो मैं आपको सारा का सारा बता दूंगा। बस यही याद रखना कि इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है बट सेकंड वाला में नहीं। तो मैं भी बता रहूंगा धीरे धीरे कैसे क्या करना है। पहले तो आप सबको पता होगा भाई ये जो भी काम हो रहा है भाई मेटामास्क में होगा, जो कि आप इंडेक्स ब्राउजर नहीं तो क्यूवी ब्राउजर में आपका सबका मेटामास्क का एक्सटेंशन होगा। नहीं है तो भाई ऐड कर लो, ऑलरेडी एक्सटेंशन का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में पड़ा है, बस मेटामास्क एक्सटेंशन सर्च करना मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम सर्च करना किसी में भी मिल जाएगा। उसके बाद देखो इंडेक्स या क्यूवी ब्राउजर में मेटामास्क का एक्सटेंशन ऐड कर देना, बाकी हमारा 90% यूजर का ऑलरेडी हर जगह है। ओके, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँ। पहले आप क्यूवीआई इंडेक्स जिस भी ब्राउजर में कर रहे हो, पहले भाई chainlist.org सर्च करना। ओके, ऐसे chainlist.org जैसे सर्च करोगे कनेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना, ऑटोमेटिकली आपके मेटामास्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर सर्च के जगह में आपको बस आना है और ऑप्टिमिज्म देखो लिखना है और आपको शो हो जाएगा। ऑटो मेटामास्क वाले ऑप्शन में क्लिक करो, 3 डॉट में क्लिक करो, एक्सटेंशन में जाओ, मेटामास्क में जाओ, देन आपके मेटामास्क में एक बस अप्रूव वाला ऑप्शन आएगा, बस उसको अप्रूव में क्लिक करके स्विच नेटवर्क कर देना, गट्टेट कर देना, देन आपका क्या हुआ ना ऑप्टिमिज्म वाला नेटवर्क यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे। पहले तो भाई आपको चाहिए भाई ऑप्टिमिज्म का ETH, वो कहाँ से लाओगे कैसे लाओगे मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। पहला प्रोसेस क्या है, आप कैसे आप यहाँ पर हो सकते हो एलिजिबल हो सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। पहला प्रोसेस है कि भाई आप उनके क्वेस्ट का टास्क करके आप एलिजिबल हो सकते हो, तो मैं आपको क्वेस्ट का लिंक दे दूंगा। ओके, ये रहा ऑप्टिमिज्म का क्वेस्ट का लिंक, डायरेक्टली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे नीचे जाओगे तो बहुत सारे क्वेस्ट यहाँ पर चल रहा है। आप ये क्वेस्ट को देखो कंप्लीट करके आप क्या कर सकते हो ना, इनके अपकमिंग एयरड्रॉप में आपको शायद, ओके 100% नहीं है, 60% से 80% लेकर चलो कि आपको अपकमिंग एयरड्रॉप रिसीव हो सकता है। बाकी कैसे क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट क्वेस्ट में क्लिक करके मैं आपको पहला क्वेस्ट दिखाता हूं, और नीचे बहुत सारा क्वेस्ट है, देखो आप नीचे स्टार्ट क्वेस्ट में क्लिक करके कर सकते हो। बाकी मैं एक एग्जांपल के तौर में दिखाता हूं जो है ये वाला। ओके, तो क्विक्स वाले में ऑप्शन में क्लिक किया, नॉट कंप्लीटेड हुआ है दिख रहा है। ओके, तो पहला काम है कि लर्न अबाउट क्विक्स, भाई क्विक्स के बारे में पढ़ो। ओके, पढ़ दिया आपने। दूसरा काम है कि स्टार्ट क्विज, तो मैं देखो स्टार्ट क्विज में क्लिक, यहां पर क्या होता है ना, यहां पर कुछ दो क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ओके,
पहला पूछ रहा है व्हाट इज क्विक्स, क्विक्स का क्विक्स क्या है। ये करने से पहले और एक मेन चीज मैंने भूल गया, देखो बाईं तरफ थ्री डॉट है वहां पर क्लिक करना और कनेक्ट वॉलेट में क्लिक करके मोस्ट मेटामास्क में क्लिक करके यहां पर जब मेटामास्क में जाकर मोस्ट अप्रूव करके मतलब कनेक्ट करके काम करना, नहीं तो वो कैसे ट्रैक करेंगे कि ये बंदा किया है या नहीं किया है। ओके तो बस नेक्स्ट कनेक्ट करके बस ये कर लेना, देन आपका प्रोफाइल शो हो जाएगा ऊपर में देखो दाईं तरफ, देन आपका काम स्टार्ट करो। ओके स्टार्ट क्विज में क्लिक करता हूं। पहला पूछ रहा है भाई क्विक्स क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा ऊपर में देखो लॉर्न एवर्ड क्विक्स लिखा है, क्विक्स इज द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केटप्लेस ऑन द ऑप्टिमिज्म लेयर 2। तो यहां पर क्लिक करो और यहां पर क्या है ना एक एनएफटी मार्केटप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए व्हाट फीचर्स डज क्विक्स हैव, क्विक्स का क्या फीचर है। ओके तो वो क्या करता है आप देख लेना, नो कोड एनएफटी लॉन्च पैड मुझे लगता है। ओके आई एम नॉट कंफर्म, देखो गलत है। ओके तो अगर गलत है तो कोई नहीं, आप प्लीज ट्राई करके दिखेगा, आप सही भी चूज कर सकते। ओके ऑल ऑफ द अबव था मैंने चूज कर दिया, देन डन वाले ऑप्शन में क्लिक करके मैंने क्विज कंप्लीट कर दिया। क्विज के बाद उसके नीचे आता है मेन काम, देखो थर्ड में इसमें से ही आपका इन्वेस्टमेंट लग जाता है। बोल रहा है कि परचेस अन एनएफटी ऑन क्विक्स, भाई आपको बोल रहा है कि क्विक्स में जाकर एनएफटी परचेस करो जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा 0.00998 का प्राइस देख सकते हो, न्यूली देखो $16 का एनएफटी। इसीलिए बोला था कि इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायरमेंट है, जो कर सकता है वही करना, मैं किसी को कतई भी फोर्स नहीं करता इन जैसे प्रोजेक्ट में। ओके ताकि बट प्रॉफिट अगर होता है तो अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट तो अच्छा आएगा, बट कितना परसेंटेज गारंटी है कि एड रेप आएगा वो भाई बताऊँ तो भाई 60-80%, 100% लेकर मत चलो, 80% लेकर चलो। ओके तो उसके बाद करना क्या है भाई, जाओ यहाँ पर एक NFT बाय करो, देन इसमें फॉलो करो, इतना ही काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको गेट NFT ऑन गैलेक्स चौथे में जाना है, गेट NFT वाले ऑप्शन में क्लिक, चले आओ गैलेक्स ओपन हो जाएगा कनेक्ट वॉलेट में। पहले तो भाई क्लिक करके आपका जो मेटामास्क है वहां पर चूज कर लेना, चूज करने बाद यहां पर मेटामास्क में चला जाएगा कन्फर्मेशन इजी टू, जैसे कि मैंने बताया था जाकर जाओ नेक्स्ट और कनेक्ट कर दो, ईजी सा काम है ये तो आप सबको पता है भाई, सिंपल यूजर भी कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट कनेक्ट कर लिया, करने बाद अभी जो आपने टास्क को कंप्लीट कर दिया, मेरा यू आर नॉट एलिजिबल दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया। ओके बाकी देख लेना अभी इवेंट कितने डेट तक मतलब क्लेमेबल पीरियड कितना तक है वो देख सकते हो, लाइक दिख रहा है कि 9 जनवरी 2023 तक है। ओके बस अभी भी टाइम है, करना कि आपने परचेस कर दिया था, परचेस करने बाद बस आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, देन आपने ट्विटर को फॉलो कर दिया, कनेक्ट कर लेना ट्विटर को, देन दोनों का दोनों टिक मार्क लग जाएगा, देन जाने के बाद बस आपको दिख जाएगा कि भाई क्लेम NFT को क्लेम करना है। हो गया फर्स्ट क्वेस्ट, उसी हिसाब से आपको और भी बहुत सारे क्वेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। बस ये याद रखना कि भाई इन्वेस्टमेंट लगता है और आप अगर पैसा बहुत है तो 4-5 क्वेस्ट में मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेना, इन फ्यूचर 60-90% या 85% लेकर चलो कि भाई आपको इन फ्यूचर अच्छा खासा एयरड्रॉप से प्रॉफिट हो सकता है। अभी मेन चीज आता है कि भाई जो ऑप्टिमिज्म वाला ETH आप कैसे लोगे, तो आप क्या कर सकते हो ना ब्रिज के मदद से, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लैरिफाई किया था ब्रिज और स्वैप का डिफरेंशिएट क्या होता है। तो ब्रिज में क्या होता है ना, एक नेटवर्क से आप अलग नेटवर्क में सेम टोकन को कन्वर्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से आप इथेरियम ब्लॉकचेन से ETH टोकन को आप ऑप्टिमिज्म ब्लॉकचेन में उस ETH को कन्वर्ट कर सकते हो ब्रिज के मदद से। बस आपको करना क्या है, कनेक्ट वॉलेट वाले ऑप्शन में मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मेटामास्क वाले ऑप्शन में क्लिक करना, थ्री डॉट में क्लिक करो, मेटामास्क में क्लिक करना, मेटामास्क में जाएगा कन्फर्मेशन, जाकर नेक्स्ट और कनेक्ट कर लेना। जैसे ही कनेक्ट हो जाए उसके बाद बस आपको पहले तो भाई आपको चाहिए होगा देखो नेटवर्क दो चूज करना है, सिलेक्ट नेटवर्क वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको बस मेननेट ऊपर वाला जो ETH मेननेट है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, नीचे में आपको ऑप्टिमिज्म चूज करना है। पहले तो आपके पास होना चाहिए ETH, ओके भाई ये अगर ये मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं भाई, पहले तो भाई $50-60 या $100-150 पहले फंड रेडी करो, देन काम स्टार्ट करो। ओके सीधा बात बोल लो तो ओके तो देन क्या करो ना, जितने भी आपको ETH ऑप्टिमिज्म में चाहिए उससे थोड़ा ऊपर क्या करो ना यहाँ पर ब्रिज कर लेना, सिंपल सा सीन है। जैसे कि मेरे को भाई जैसे कि उस NFT के लिए मैंने जो अभी एग्जांपल दिखा था उसके लिए था चाहिए था 0.009, हो गए तो मैं यहाँ पर 0.1 ETH में क्या करूँगा ना ऑप्टिमिज्म के जगह में डालूंगा। ओके जितने भी चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो, बाकी मैं डाल देता हूँ। ओके 0.1 डाला तो मुझे क्या होगा ना, इतने मुझे ऑप्टिमिज्म में एस्टिमेट होकर आएगा। बस आपको करना मेरा इनसफिशियंट दिखा रहा है, बट आपको क्या करना है ना अप्रूवल ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे अप्रूवल ऑप्शन में क्लिक करोगे आपके मेरे पास में जाएगा कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन जाने के बाद उसके बाद एक सेंड वाले ऑप्शन में क्लिक करना, एक सेंड कर लेना, ऑटोमेटिकली क्या होगा ना आपका यहाँ पर मेननेट से ETH क्या होगा ना यहाँ पर
50 मेजिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इतना इसी ने दिन आपका आ गया। ओके, तो इसी हिसाब से क्या कर सकते हो ना आप ETH, सॉरी ऑप्टिमिजम का ETH आप ले सकते हो ब्रिज के मदद से। तो इस हिसाब से ये भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर की जो भी हमारा ब्रिज को इंटरेक्शन किया होगा हम उनको एयरड्रॉप देंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, 4-5-6 ब्रिज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप पास फंड पड़ा है तो भाई उन 4-5-6 ब्रिज में क्या करना ना इंटरेक्शन कर देना, ताकि इन फ्यूचर जब भी अपकमिंग एयरड्रॉप आए वो बोलें कि भाई हमारे ब्रिज में जिसने भी इंटरेक्शन किया था हम उनको ही सिर्फ एयरड्रॉप देंगे, तो आपने ऑलरेडी ब्रिज करके रखा था। ओके, तो इसमें क्या होगा ना आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाओगे। जैसे कि ये वाला हॉप ये जो एक्सचेंज है इसका मैं लिंक दे दूंगा, इसमें से आप ब्रिज कर लेना कुछ। ओके, दूसरा है देखो ऑप्टिमिजम का खुद का यहाँ पर एक है कि ब्रिज सेक्शन जहाँ पर आप ब्रिज भी कर सकते हो। ओके, उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ऊपर में ETH मैनेट मैंने चूज कर दिया, नीचे में ऑप्टिमिजम है, बस जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से कर सकते हो। ओके, बाकी और भी अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर ऑर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक करना, आपको देखो बहुत सारे और भी देखो यहाँ पर दिख जाएगा। हॉप एक्सचेंज दिख गया, एक स्टारगेट दिख गया, सिनाफस दिख गया, सेलर ब्रिज, अक्रोस, कनेक्ट। ओके, इन तीन छः एक और एक ऑप्टिमिजम खुद। ओके, टोटल ये 7 ब्रिज आपको यहीं से मिल जाएगा। ऑप्टिमिजम जो मैं लिंक दिया हूँ उसमें उड्रल बल्स में क्लिक करके आप एक एक इन सब ब्रिज में आप इंटरेक्शन कर देना अगर आपके पास फंड फड़ा है। ओके, तो बाकी आप अपकमिंग में एयरड्रॉप मिल सकते हैं। ज़्यादा लास्ट में एक ब्रिज का लिंक दे दूंगा जो कि है हमारे बाइकोनोमी का, इसमें भी आप उसी हिसाब से आप यहाँ पर ब्रिज वगैरह कर सकते हो। लाइक ऊपर में ETH, नीचे में यहाँ पर पहले तो भाई कनेक्ट वॉलेट के लिए बोल रहे, तो मैं कनेक्ट वॉलेट कर लेता हूँ। कनेक्ट वॉलेट में क्लिक करना, एक्सटेंशन में क्लिक करना, एडवांस में क्लिक करना, कन्फर्मेशन चलाएगा, बस आपको नेक्स्ट और कनेक्ट करना है। जैसे कि मैंने कर दिया, जैसे ही कनेक्ट कर दिया उसके बाद आपका कनेक्ट हो गया। जो पॉलीगन है पॉलीगन को चेंज करके आप उसको यहाँ पर कर सकते हो, कौन सा ना भाई ऑप्टिमिजम। ओके, ऊपर में देखो ऑप्टिमिजम कर दिए और नीचे में पॉलीगन ही रहेगा। ओके, तो आप ऑप्टिमिजम से पॉलीगन में यहाँ पर भी आप ब्रिज कर सकते हो। ओके, ऑप्टिमिजम का कोई टोकन पड़ा है, मतलब ऑप्टिमिजम का ETH पड़ा है आपके पास। ओके, तो आप ETH को क्या करोगे ना पॉलीगन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस बाइकोनोमी के मदद से आप ब्रिज कर सकते हो। ओके, इस तरीके से ब्रिज का सीन है, आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और अगर आप ब्रिज करोगे तो इन फ्यूचर आपको एयरड्रॉप मिल सकता है अगर वो इस तरह कुछ क्राइटेरिया रखे तो। तो ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया जिस हिसाब से आप क्या कर सकते हो ना इन फ्यूचर आपको ऑप्टिमिजम का एयरड्रॉप मिल सकता है। अभी तीसरा क्राइटेरिया बता देता हूँ। थर्ड यहाँ पर सिस्टम ये है कि आप ऑप्टिमिजम जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अगर आप डेलीगेट करोगे तो उसके लिए भी आपको इन फ्यूचर एयरड्रॉप मिल सकता है। ओके, तो आपको करना क्या है देखो, तो मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, क्यूई या इंडेक्स जिसमें भी आप कर रहे हो उसमें ओपन कर लो। बाकी ओके, तो बाकी इसको मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ। बताना अभी क्या चल रहा है इस टाइम में, अभी डेलीगेट में कुछ भी प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा, बट उसके साइड में वोटर्स में जाकर आप चेक कर सकते हो कि बहुत सारे वोटर्स ने देखो यहाँ पर इनमें देखो अगर डेलीगेट करके रखे हो ऑप्टिमिज्म का ये सारे प्रोजेक्ट में। ओके, आप देख सकते हो लाइक सबसे पहले तो भाई मुझे लगता है भाई लिंडा एक्साई वाले में है। ओके, तो उसमें क्लिक कर लेना। ओके, जो लिंडा एक्स है वहाँ पर क्लिक, देखो यहाँ पर बहुत सारे यूजर ने यहाँ पर डेलीगेट कर दिए हैं। ओके, तो अब उसी हिसाब से आपको जब भी कुछ प्रोजेक्ट दिख जाए वहाँ पर, अभी शायद प्रोजेक्ट कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, तो उस जगह में जब डेलीगेट के जगह में जब कुछ प्रोजेक्ट दिख जाएगा वहाँ पर बस आपको कुछ अमाउंट का ऑप्टिमिज्म का ETH बस डेलीगेट कर देना। ओके, जो कि भाई ज़्यादा नहीं, बस 20-30 रुपये का आपका लग जाएगा। ओके, तो बस इतने थर्ड प्रोसेस से भी आप अपकमिंग में एयरड्रॉप मिल सकता है। ओके, ये मेन तीन चीज़ें जहाँ से आपको अपकमिंग में एयरड्रॉप मिल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक आप गिटकॉइन में अगर आप जाकर यहाँ पर कुछ फंडिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको मिल सकता है। लाइक और भी प्रोसेस है बाकी, बट ये मेन तीन चीज़ बता दिया। और इसमें से फर्स्ट दो मेथड जो है उसमें से आपका सबसे ज़्यादा 70-80% चांसेस की उसी में ही आपको यहाँ पर अपकमिंग में एयरड्रॉप मिल सकता है। लाइक ये इसमें भी मिल सकता है बट 5-10% चांसेस है। बाकी अभी सब कुछ बता दिया ऑप्टिमिज्म का, और कुछ डाउट वगैरह है तो भाई कमेंट में पूछो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में आकर मुझे IB में मैसेज कर सकते हो। तो अभी बता दिया भाई इन्वेस्टमेंट वाला ब्लॉकचेन, अभी बता दो नॉन इन्वेस्टमेंट वाला जो कि आता है सैडियम। हो गया, आपको सबको पता हो नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो सैडियम है आपको पता होगा, वाजीरेक्स पता होगा, एक जैसे कॉइन स्विच कॉइन DCX है उस हिसाब से वाजीरेक्स है जो सबसे पहला है। ओके, पहला इंडियन एक्सचेंज जो है वो है वाजीरेक्स। कॉइन स्विच ये कॉइन डिसेस उन सब का बाप है, वो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो उसका जो CEO है मतलब फाउंडर जो है ओके निश्चल है, उसने देखो यहाँ पर सैडियम
जो है देख सकते हो यहाँ पर लगा के भी रखा है। ओके साडियम प्रोजेक्ट देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो अनाउंसमेंट भी करता रहता है, वो देख सकते हो साडियम के बारे में। ओके तो ये साडियम प्रोजेक्ट अभी क्या है, अभी भाई चल रहा है भाई यहाँ पर टेस्ट नेट में, तो हमको अभी इसी में फोकस करना है साडियम प्रोजेक्ट में, क्योंकि देखो ये जब मेननेट में आएगा तो हमें देखो अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला। आप देख सकते हो साडियम के बारे में पूरा का पूरा वो यहाँ पर हर टाइम ट्वीट करता है, आप देख सकते हो 22 घंटे पहले यहाँ पर। आप साडियम इंडिया आप देख भी सकते हो, मतलब ये कि इंडियन प्रोजेक्ट आप लेकर भी चल सकते हो। बाकी देख सकते हो साडियम का ही प्रोजेक्ट है, बाकी प्रोजेक्ट तो अच्छा खासा आप देख सकते हो। और न्यू ब्लॉकचेन है, ईवीएम बेस्ड है, लेयर वन भी आता है, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इतने कुछ मिलियन यहाँ पर फंड भी रेज किए हैं, आप देख सकते हो। ओके और कुछ ज़्यादा कुछ मैं बताऊँगा नहीं, बाकी इतना ही बताऊँ कि इंडियन ब्लॉकचेन है। ओके तो आप देख सकते हो शायद इंडियन, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाकी थोड़ा मैं चेकआउट करके बताऊँगा आपको। बट ये सीन है कि देखो यहाँ पर एक इंडियन एक्सचेंज का जो फाउंडर है निश्चल वाजिर एक्स का, उसने देखो इसमें फंड राइज रेज भी किया है। ओके तो आप देख सकते हो बाकी प्रोजेक्ट में, सॉरी ब्लॉकचेन में मुझे दम दिख रहा है कि हाँ भाई हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट, बट इस साल नहीं होगा इसमें तो गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने टाइम आने में थोड़ा टाइम लगा, चाहे 2023 में हम सबका प्रॉफिट हो सके। तो अभी टेस्टनेट में चल रहा है, तो अभी हम टेस्टनेट को ही फोकस करते हैं क्या से? तो बस देखो साडियम सर्च करना chainlist.org में आकर, देख सकते हो आपको दो साडियम दिख जाएगा, एक दिखेगा साडियम लिबर्टी 1.5 इसका 210, तो आपको 1.5 को चूज करना है, और जो जिसका चेन आईडी 8080 है तो आटू मेडमास वाले समय क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करके मेडमास में चले जाओ, चले जाने के बस देखो यहाँ पर देखो एक आ गया होगा कन्फर्मेशन ऑलरेडी मेटावर्स में जाकर, बस आपको स्विच नेटवर्क वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, देन आपका देखो यहाँ पर साडियम लिबर्टी वाला यहाँ पर टेस्ट नेट जो है ओपन हो जाएगा। बाकी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ इंटरेक्शन भी किया था पहले, आप देख सकते हो सेंड वगैरह कुछ किया था मैंने, तो अभी मैं पूरा का पूरा भी सीन आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ। ओके पहले तो भाई पहला फोकस हमारा ये होगा कि भाई मुझे फोसेट, ओके फोसेट कहाँ से क्लेम करना है, तो भाई एड्रेस कॉपी करो, फोसेट का लिंक, ये आ गया फोसेट का लिंक, और यहाँ पर देखा ट्वीट यूआरएल कंटेनिंग योर एड्रेस ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, बस आपको देखो एक दिख रहा है भाई ट्वीट नाउ वाला ऑप्शन, तो ट्वीट नाउ वाला ऑप्शन में क्लिक करो, ट्वीट कंटेंट इज कॉपी टू योर क्लिपबोर्ड, यू कैन लॉग इन इनटू ट्विटर अकाउंट, पेस्ट द टेक्स्ट एंड ट्वीट टू रिसीव एसएचएम। ओके तो ओके वाले ऑप्शन में क्लिक, तो आपका आ गया ऐसे। अब भी करना क्या है, यहाँ पर जो माई एड्रेस 0000 दिख रहा है ना, इसको तो भाई कट करो, और आपने जो एड्रेस कॉपी करके लाए थे उसको सीधा सीधा यहाँ पर पेस्ट करो, और पेस्ट ट्वीट करने के बाद व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करो, क्लिक करने के बाद शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके कॉपी लिंक, वो जो यूआरएल को कॉपी करके लाए थे इसको करो पेस्ट, रिक्वेस्ट एसएचएम में क्लिक करो, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएगा। विद इन आपका मैक्स टू मैक्स 10 मिनट से लेकर, अगर चला गया कुछ नेटवर्क वगैरह इशू हो गया तो आपको 24 आवर के अंदर यहाँ पर फोसेट रिसीव हो जाएगा। देख सकते हो विद इन 2 सेकंड के अंदर फोसेट मुझे रिसीव हो चुका है, बाकी अभी से फोसेट क्लेम कराना। अगर ये भी ब्लॉकचेन वायरल होना स्टार्ट हो गया तो ये भी भाई गंदा इसका फोसेट ही मतलब बेकार कर देते हैं। ओके इतना जाम हो जाता है, तो बाकी ये बता दिया आप कैसे फोसेट क्लेम कर। हम कोशिश करेंगे कि उनका कुछ जो भी साडियम के ऊपर अभी जो भी यहाँ पर चल रहा है डेक्स वगैरह कुछ है या ब्रिजिंग सेक्शन चल रहा है, तो उसको हम कोशिश करें कि इंटरेक्शन करके अभी से रख दें, ताकि इन फ्यूचर जब उनका मेननेट लॉन्च होगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो पहला मैं एक दे दूंगा डेक्स का लिंक, जो कि स्वाफ्ट फाइनेंस, उसको लिंक दे दूंगा। क्यूआई इंडेक्स जिसमें भी कर रहे हो भाई सर्च कर दो सिंपल से। ओके लो भाई डेस्कटॉप साइड कर लेना अगर मोबाइल साइड में ना आए तो, देन ऊपर आपको दिख रहा है कनेक्ट वॉलेट दिख रहा है रंगीन रंगीन जैसा दिख रहा है, मेटावर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करो, क्लिक करने बाद यहाँ पर एरर व्हाइल ट्राइंग टू कनेक्टिंग। ओके तो ऐसा कुछ इश्यूज भी आ रहा है, बट मैं मेटावर्स में जाकर देखता हूँ क्या आ रहा है, क्या कन्फर्मेशन वगैरह दे सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट कनेक्ट आ चुका है, तो ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट और कनेक्ट कर दिया साडियम के साथ, और देखो मेरा कनेक्टिव हो चुका है। ओके दिखाएगा बट काम हो जाएगा। उसके बाद आपको देखो ऊपर में एसएचएम टोकन हमने ऑलरेडी फोसेट से क्लेम किया है, अगर आपको और भी चाहिए फोसेट से और भी छाप सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो आप कुछ भी अलग टोकन यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर शायद कुछ आ नहीं रहे, तो बस आपको करना क्या है यहाँ पर भाई 5 या 10 या जो भी है डाल दो, डालने बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर SWPD में आ जाएगा कुछ। स्वाब वाले ऑप्शन में क्लिक करो, कन्फर्म स्वाब वाले ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना, मेडमस में जाएगा कन्फर्मेशन, जाकर बस सिंपल से उसको कन्फर्म कर, आ गया ये, बस इसको कन्फर्म कर देना, बात खत्म। एक भाई स्वाप तो इस वाले स्वाप्ड फाइनेंस में हमने कर लिया। उसके बाद सेकंड में मैं आपको साडियम स्वाप का खुद का डेक्स है, ओके उसका भी हम इंटरेक्शन कर देते हैं, क्या पता उसके भी क्या पता दे दें एड्रेस विन व्यूज। उसी हिसाब से भाई ऊपर में पहले तो भाई कनेक्ट वॉलेट में क्लिक करके पहले जाकर भाई कनेक्ट करो, किसके साथ ना मेटावर्स में, ओके क्योंकि आपने वहाँ पर किया था, एक्सटेंशन में जाओ मेटावर्स में जाओ कनेक्ट। कनेक्ट करने बाद इसमें भी उसी तरह बस भाई स्वाप वाला ऑप्शन आ रहा है, तो एसएचएम क्लिक करो, नीचे में आप कोई सा भी टोकन आप
चूज कर सकते हो, 2-3 टोकन है यहाँ पर। ओके, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज करो और यहाँ पर 5-10 SGM कुछ डालो और डालने के बाद बस भाई स्वाप कंप्लीट करो। ओके, बाकी इसमें बस ट्रेड और लिक्विडिटी दो ऑप्शन है। ट्रेड तो मैंने आपको अभी करवा दिया स्वाप कैसे होता है, और लिक्विडिटी वाले ऑप्शन में जाकर अगर लिक्विडिटी प्रोवाइडेशन है तो भाई आर लिक्विडिटी में जाकर आर लिक्विडिटी कर देना। कैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडेशन करोगे तो उसका भी एक सीन बताता, तो उससे पहले आपको हम लोगों को करना होगा भाई पहले स्वाप। ओके, तो मैंने SHM में 10 डाल दिया और स्वाप वाले ऑप्शन में क्लिक किया। जैसे स्वाप वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा, कंफर्म स्वाप वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा, बेडस में जाएगा कंफर्मेशन, जाकर कंफर्म कर। बाकी मैंने ब्लॉकचेन में ये कि इश्यू देखा कि देखो भाई जो जब हम कंफर्म करते हैं उसके बाद ये फंक्शन थोड़ा सा काम नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो इसके लिए आप जो निश्चल को जाकर उसका ट्विटर में जाकर जो पोस्ट वगैरह करते हैं उसमें जाकर आप मोस्ट कमेंट या क्वेटा रिटेट करने की कोशिश करना, ताकि वो उसको भी पता चले या उनके प्रोजेक्ट को ऑलरेडी उनको पता ही होगा कि उनके ब्लॉकचेन में कुछ इशू है। बाकी आप खुद भी कर सकते हो। ओके से ओके, बाकी ब्लॉकचेन इशू चल रहा है जिसके वजह से कन्फर्म स्वाप में टाइम लग रहा है। ओके, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, ऑटोमेटिकली वो कन्फर्मेशन हो जाएगा। जैसे कन्फर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको बस उसको लिक्विडिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, आर लिक्विडिटी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपने जो टोकन आपके पास होगा, पहले तो अपने SHM से मैंने एस स्वाप में मैंने यहाँ पर स्वाप किया, तो मुझे लिक्विडिटी में जाना है, आर लिक्विडिटी में क्लिक करना है और ऊपर में मुझे चूज करना है भाई सिलेक्ट करेंसी में, पहले तो SHM और दूसरे सिलेक्ट करेंसी में मुझे चूज करना है कौन सा ना एस स्वाप। ओके, जो भी दो टोकन है वो दो टोकन को चूज करो और नीचे वाले में यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर जितने भी आपका टोकन आपने एस स्वाप में स्वाप किया था वो दिख जाएगा, उसमें एक मैक्स वाला ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली दो टोकन ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पर जो भी दिखाएगा अप्रूव वाला ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करना, देन ब्रिज या स्वाप जो भी कुछ दिखाएगा बस वहाँ पर इससे कर। ओके, बस इस तरीके से आप लिक्विडिटी भी ऐड कर सकते। बाकी मैं एक स्टेडियम का NFT मार्केट प्लेस भी बताता हूँ, वहाँ पर कुछ बाय सेल कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर वहाँ पर भी कुछ मिल जाए। बाकी देख सकते हो यहाँ पर 10496 NFT ऑलरेडी मेंटेड हो चुका है स्टेडियम नेटवर्क में, टेस्टनेट में ना कि मेननेट में, तो हमें भी एक दो कर लेना है। कैसे क्या करेंगे, बस देखो पहले तो कनेक्ट वॉलेट में क्लिक करो, क्लिक करने बाद बस देखो आपको दिख जाएगा भाई मेटामास्क वहाँ से आकर कनेक्ट। ओके, ऐसा दिखा है भाई तरफ मेटामास्क के, ओके वाले ऑप्शन में क्लिक करो, 3 डॉट में क्लिक करो, मेटामास्क में चले आओ, जाकर ऐसा आ गया, बस मैं साइन कर लेता हूँ। नेक्स्ट कनेक्ट करने के बाद आपको साइन वाला ऑप्शन आएगा, बस उसको साइन भी कर देना। बाकी देखो स्वाप मेरा फेल्ड हो चुका आप देख सकते हो। ओके, मतलब ब्लॉकचेन इशू के वजह से, जैसे मैंने यहाँ पर साइन करने बाद ऊपर में आपको देखो क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखो क्या कर सकते हो ना, NFT क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, आप अपने हिसाब से सिंगल या मल्टीपल चूज कर लेना, मैं सिंगल चूज करता हूँ। देन उसका देखो मैं कुछ इमेज ऐड करूँगा, NFT का एक अच्छा खासा नाम दे दूंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा NFT के बारे में कि भाई मेरा NFT ये है वो है, इस काम में वर्क करेगा, गेमिंग NFT है। ओके, कुछ डाल देना भाई, नहीं तो गूगल से चिपका डालना। उसके बाद बस क्रिएट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, देन आपके स्टेडियम लिबर्टी में चला जाएगा एक कंफर्मेशन छोटा सा, बस उसको कंफर्मेशन कर देना, बाकी हो गया NFT मतलब एक क्रिएट हो गया। ओके, क्या पता ये भी बोल दें कि जिसने भी हमारे प्लेटफॉर्म में या स्टेडियम में इस जो स्प्रियो में अगर किसी ने भी यहाँ पर NFT यहाँ पर क्रिएट किया होगा तो हमने उसको देना है एयरड्रॉप, तो ये भी कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा तीसरा कि भाई NFT जो भी मैं दूंगा उससे भी आप देखो यहाँ पर क्रिएट करके आप रख लेना ताकि इन फ्यूचर एयरटेल मिल सके। और चौथा क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से आपको देखो यहाँ पर मिल सकता है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, रुक जाओ। चौथा है भाई एक डोमेन भाई एक ग्राफ करके रख लो। ओके, बाकी अच्छा खासा एक डोमेन भाई अपने हिसाब से रखना। ओके, मैं भाई एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी तो बस आपको मिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और प्राइस नीचे दिख जाएगा कि कितना SHM आपका लगेगा, एक्सटेंशन में जाना है, मेडमास में जाना, जितने भी SHM डाला होगा बस उसको जाकर बाकी आ जाए। ब्लॉकचेन के इशू के वजह से अभी कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे सही हो जाएगा मोस्ट ट्राई कर लेना और एक डोमेन भी कर लेना। ओके, इन चार तरीके से आप यहाँ पर इनके अपकमिंग एयरड्रॉप में आप एलिजिबल हो सकते हो। पहले तो मैंने बता दिया भाई स्वाप वगैरह लिक्विडिटी ऐड करने का, और अगर पूल वगैरह कहीं पर है तो वो भी ट्राई कर सकते हो, और थर्ड मैंने बता दिया कि भाई NFT मिंट नहीं तो NFT क्रिएट करके, चौथा मैंने बताया कि डोमेन क्लेम करके। ओके, इस तरीके से आप स्टेडियम टेस्टनेट को अभी यहाँ पर इंटरेक्शन कर दो, इन फ्यूचर जब उनका अपकमिंग एयरड्रॉप आएगा तो हमको भाई सबसे पहले मिलने वाला है। ओके, तो मैंने बता दिया अभी स्टेडियम अभी टेस्टनेट में है, तो मैंने बता दिया जब मेननेट में आएगा हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो मैंने अभी दो ब्लॉकचेन के बारे में बताया, एक था ऑप्टिमिज्म जिसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एक था स्टेडियम जिसमें नॉन इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अभी टेस्टनेट में ही चल रहा है।
तो पूरा मैंने क्लियर आउट कर दिया। बाकी मुझे पता है भाई इन जैसे वीडियो में ज़्यादातर लोगों यहाँ पर क्या होते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता होगा, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, बट फिर भी मैं अपना काम कर दे रहा हूँ ताकि बाद में ये ना हो कि आप मुझे दोष दे दो कि भाई आपने तो बताया नहीं था ये वाला मिस हो गया, जिस तरह मैंने अपटोस का बताया था बट कुछ लोग हमारे सेकेंड सेल में नहीं थे तो जिसकी वजह से उनका मिस हो गया, बट प्रॉफिट भाई खतरनाक हुआ भाई, 1.5 लाख सबका प्रॉफिट हो गया होगा। तो इसी हिसाब से मैं अपना काम कर दे रहा हूँ, बाकी अपने मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ आपके ऊपर होगे, मैं अपना काम खत्म कर डाला होगे, बस सारा ब्लॉकचेन बचा चुका हूँ, अब बस एक ब्लॉकचेन बच गया होगे जो कि जेडके सिंह का, उसका मैं कोशिश करूँगा कि कल जो मेन वीडियो आएगा उसके बाद एक दो दिन के बाद उसका भी मैं क्लियर आउट कर दूँगे। बाकी इस वाले वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत वगैरह लगे तो कमेंट में पूछो, नहीं तो टेलीग्राम चल में आकर आई भी मैसेज करो, और अगर कुछ न्यूज़ है डेक्स या न्यू का न्यूज़ का कुछ भी अपडेट आए ऑप्टिमिज्म या स्टेडियम का तो वो हमारे सेकंड चैनल में अपडेट हो जाएगा, ओके आपको अपडेट दे दिया जाएगा और कुछ नहीं। और हमारे मेन चैनल भी जरूर से जरूर चेकआउट कर देना, टेलीग्राम चैनल दोनों का दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको मेन चैनल से प्रॉफिट हो, सेकंड चैनल एयरड्रॉप चैनल से प्रॉफिट हो, हर जगह से आपको प्रॉफिट ही हो। बाकी मिलते हैं न्यू लोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।